रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन सोमवार को हुआ। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के 217 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा है। झारखंड के विभिन्न स्थानों से चयनित 217 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में संविदा के आधार पर चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरा कक्ष चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों से भरा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम सोरेन ने सैलरी के अतिरिक्त इंसेंटिव देने की घोषणा की है। कहा कि आप जिस जगह काम करें बेहतर काम करें। सैलरी के अतिरिक्त 15,000 रुपए प्रतिमाह तक देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आप पूरे साल बेहतर कार्य करें, बेहतर इंसेंटिव देने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। कहा कि सरकार ने 217 अभ्यर्थियों को अपना एक अंग बनाया है। आज पहली बार आयुष चिकित्सकों के साथ बैठा हूँ। इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी सरकार शुरुआत करेगी, जहाँ यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की पढ़ाई कराई जा सके। जल्द ही इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा का नवनियुक्त 217 आयुष डॉक्टर्स ने ताली बजाकर स्वागत किया। नवनियुक्त आयुष डॉक्टर्स ने राज्य सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हम सब जिस मानव सेवा के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हमेशा सरकार के सहयोग से कदम ताल करते हुए मानव सेवा में अनवरत कार्य करते रहें। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगा, आयुष पेशेंट मॉनिटरिंग और जीवन दूत एप का भी शुभारंभ किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।